सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह आयोजित, पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजना का किया शुभारंभ। विदेश मंत्री जयशंकर मणिपुर के इम्फाल पहुंचे, सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी, जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की पीसी, शराब घोटाले में सीबीआई चार्जशीट पर बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली शराब घोटाला केस फर्जी है। मिशन गुजरात पर सीएम गहलोत, गांधीधाम में जनसभा को किया संबोधित। अंतरिक्ष में इसरो की नई उड़ान, श्रीहरिकोटा से थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ओशन सेट 3 की लॉन्चिंग। जयपुर में संविधान दिवस पर जंतर मंतर पर विशेष कार्यक्रम, स्कूली बच्चों ने किया सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी दंपति को जलाने का मामला, इलाज के दौरान पुजारी नवरत्न की मौत। भीलवाड़ा में एक युवक ने अपनी पत्नी की मौत के बाद किया देहदान, युवक ने कहा पत्नी का सपना था कि मौत के बाद भी उसका शरीर किसी के काम आए। पाली के देसूरी में वन विभाग की कार्रवाई, 2 चंदन तस्कर किए गए गिरफ्तार। भीलवाड़ा में प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का समापन आज, बीज निगम अध्यक्ष ने कहा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रतापगढ़ में चोरों ने सूर्य मकान को बनाया निशाना, नकदी सहित जेवरात की चोरी। देगाना में पार्षद ने घर घर जाकर बांटे 5 पट्टे दिए, पट्टे मिलने से ग्रामीणों में खुशी। डूंगरपुर में हाईवे पर चलती कार पर पत्थरबाजी की घटना, कार सवार महिला हुई घायल। भरतपुर के नदबई में कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी जा रही सरकारी एम्बुलेंस बीच रास्ते में हुई खराब, एक मरीज की जान गई। भीलवाड़ा में नगर परिषद के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 19 व्यावसायिक निर्माण सीज किए। अजमेर के एक स्कूल में अक्षात कारणों से छात्रा ने लगाई फांसी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर में रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। धौलपुर के घेर गांव के पास चंबल नदी में तैरता मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से शव बाहर निकाला। दौसा के बांदुकुई थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिटफंड कंपनी का आरोपी गिरफ्तार। कोटा की सनसनीखेज पूजा अरोड़ा हत्याकांड मामले में खुलासा, आर्थिक तंगी से जूझ रहे मृतका के प्रेमी ने ही की थी हत्या। करौली में अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और सामग्री बरामद। उदयपुर के गोगुंदा में एक ही दिन में 2 आत्महत्याओं का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रदेश में सबसे कम तापमान फतेहपुर का दर्ज किया गया, 2.8 डिग्री दर्ज हुआ रात का तापमान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए। मास्क 2 दिसंबर को नया ट्विटर वेरीफाइड फीचर करेंगे लॉन्च, अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। फिल्म भेड़िया का बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग, ओपनिंग में 6 से 7 करोड़ का कलेक्शन किया। श्रीराम जन्मभूमि पर बनेगी सीरीज, सीरीज बनने के लिए हुआ कमेटी का गठन। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस नेता पहुंचे चाऊली।